पहले तो आप सारे भाइयों को मेरा नमस्कार भाई, क्या हालचाल है आप लोग का। फेसबुक मोनेटाइजेशन इंपैक्ट, इसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसको कैसे अपने पेज या प्रोफाइल से हटाएं जल्दी से जल्दी। मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आने से ये हो जाता है भाई, जितने भी आपके मोनेटाइजेशन टूल होते हैं, चाहे वो एड्स ऑन रील हो, चाहे बोनस प्रोग्राम हो, चाहे वो इन स्ट्रीम ऐड हो। अभी एक बात, इससे पहले जो मैं मतलब मोनेटाइजेशन इंपैक्ट पे तो बताऊंगा आपको कैसे आपको हटाना है इसको, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी नए नए अपडेट आ रहे हैं, जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा आने वाला है, जिसमें आपके सारे मोनेटाइजेशन टूल जो हैं एक ही में मिल जाएंगे और आपकी जो अर्निंग होगी वहीं से होगी। लेकिन कब होगी? जब ये मोनेटाइजेशन इंपैक्ट जो हटेगा आपसे, समझ रहे हो ना, जो वायलेशन आप पे आए हुए हैं, चाहे वो अनओरिजिनल कंटेंट हो, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हो, चाहे कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन हो, चाहे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट हो, चाहे अर्निंग रिस्ट्रिक्शन हो, तो ये सब हटना चाहिए ना। मोनेटाइजेशन इंपैक्ट हटेगा तभी तो आपको 4 अक्टूबर वाला जो नया वाला जो अपडेट आया हुआ था, न्यू अपडेट जो आया हुआ था, जिसमें आपको एक ही मोनेटाइजेशन टूल पे आपके सारे अर्निंग होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हटाना है, फेसबुक मोनेटाइजेशन इंपैक्ट को कैसे हटाना है, चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे बात बोलूंगा, दिल से बोलूंगा भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भाई, अगर आपको मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आया हुआ ना, कुछ मत करो। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिंपली बताया था एक तरीका, सिंपली छोटे में 2 मिनट में खत्म करूंगा भाई, समझ लेना इसको। कुछ नहीं करना है आपको, मैसेंजर पहले डाउनलोड करना है, ठीक है ना। मैसेंजर डाउनलोड कर लो, मेटा का ही होता है, मेटा कंपनी का ही मैसेंजर भी है, ठीक है ना। अपने फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे हेल्प सेंटर होता है, हेल्प सेंटर, मैंने अगर स्क्रीन रिकॉर्डर होगा तो मैं लगा दूंगा, हेल्प सेंटर पे आपको क्लिक करना है भाई। उसके बाद आपको अगर मेरे पास वो स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिलेगा ना, तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लेना। हेल्प सेंटर पे क्लिक करने के बाद ऊपर गेट सपोर्ट दिखेगा, गेट सपोर्ट पे आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद भाई कुछ इस टाइप का स्क्रीनशॉट आपको दिखने वाला है, ठीक है। इसी स्क्रीनशॉट पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आ रहा हो, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा हो, अब तो भाई इन स्ट्रीम ऐड का तो पूरा ग्राफिक्स ही बदल गया है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई करना क्या है। अब तो वो इन स्ट्रीम ऐड मुझे लगता है कि आपका आने वाले समय में कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा हो जाएगा, बदल के जिसमें आपको सारे अर्निंग के टूल मिलने वाले। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, मोनेटाइजेशन इंपैक्ट है, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, चाहे आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन है, चाहे आपका एनी वायलेशन, लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट है, जो भी आया हुआ है उसको आपने, चाहे पेज है सम इशू, इसी बॉक्स में आपको उसको लिख करके और फेसबुक के सपोर्ट टीम को सेंड कर देना है। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा फेसबुक की तरफ से, आपको बस उनसे फिर बात करनी है। बात कैसे करनी है उसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, देख लो किस तरह से वो लोग बात करते हैं। आप कॉल भी बात कर सकते हो, आप चैटिंग करके बात कर सकते हो, और आपका जो मोनेटाइजेशन इंपैक्ट है भाई, 1 से 2 दिन में वो लोग हटा देंगे, अगर कोई मतलब गलती से आया होगा तो। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हम ओरिजिनल काम कर रहे हैं, हम कोई गलती नहीं करते, हम बिल्कुल सही वीडियोज़ अपलोड करते हैं, एवरीथिंग हमारा सही है सर, उसके बाद भी हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपने गलती की हुई है, आपने गलत मतलब आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपने इधर उधर की वीडियो डाल रखी है, आपने किसी का क्लिप यूज़ कर रखा है, किसी के साउंड यूज़ कर रखे हैं, कोई ऐसी वीडियो यूज़ कर रखा है जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन पे आ रहा है, मतलब कम्युनिटी फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहा है, तो फिर आपको अपने पेज पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करना, ठीक है ना। और मैंने इसके ऊपर बकायदे एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है, बट यहाँ पे आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। हेल्प सेंटर, उसके बाद गेट सपोर्ट, उसके बाद आपको वो जो बॉक्स मैंने दिखाया उसमें जाकर के आपको लिख देना है, उसके बाद मैसेंजर आप पे होना चाहिए। जैसे ही आप उस पर करते हो, मैसेंजर में सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, 3 डॉट पे आप जब क्लिक करोगे तो सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके उन लोगों से बात कर लेनी है। आपको कॉल पे बात कर लेनी है, आपको भाई हो सके तो ऐसे चैटिंग करना है तो चैटिंग कर लो आप लोग, जैसे करके आपको अपनी चीज़ें बतानी है। स्क्रीनशॉट मांगेंगे वो आपसे, वो आपके पेज का लिंक मांग सकते हैं, स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं, प्रोफाइल का लिंक मांग सकते हैं, ताकि वो रिव्यू करके आपको बता दें। अगर उनके थ्रू ये नहीं हो पा रहा है, ये तो फ्री होता है, उनके थ्रू अगर ये नहीं हो पा रहा है भाई, तो वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिससे आप मेन जो सपोर्ट टीम है उससे भी आप बात कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ लास्ट में, अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही हो, कई लोग अभी आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरा तो आपने जो बताया गेट सपोर्ट वाला वो खुल ही नहीं रहा है, सपोर्ट सिस्टम नहीं खुल पा रहा है यहाँ से जो मैसेंजर में, तो हम क्या करें। तो भाई आप एक काम कर सकते हो, मेटा सपोर्ट का जो बैच होता है ना उसको ले सकते हो, महीने का 639 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं, 1 महीने का चार्ज होता है उनका, उनसे आप इस तरह करके बात कर सकते हो, ठीक है ना। 1 महीने का चार्ज होता है जिसमें आप खुल के फेसबुक को अपनी बातें बता सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आप समझा सकते हो, तो डोंट वरी, आप बात करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी वीडियो खत्म, तो अब मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा भाई, अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हो, सजेशन लेना चाहते हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो भाई, काफ़ी दिन से काम कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहा है पेज, आपके
फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, आपकी रीच बढ़ नहीं रही है, आपको वायलेशन से आप परेशान हो, कुछ भी ऐसा, देखो भाई मैं ठीक नहीं करता हूँ, मैं सजेशन देता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो कुछ फीस चार्ज करता हूँ भाई। मेरे सारे जो सोशल मीडिया के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाकर के वहाँ फॉलो करो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कुछ चार्ज करता हूँ मैं, अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी आना भाई, वरना कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पे कमेंट करो और मुझसे बात करो भाई। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू भाई। एक बात और बोलूँगा वीडियो खत्म करते करते भाई, काफ़ी दिन से वीडियोज़ लगातार नहीं आ पा रही हैं, आप लोगों का प्यार रहेगा तो रेगुलर वीडियो आएंगे भाई। और थंबनेल पे ध्यान मत दिया करो भाई, थंबनेल थोड़ा मेरा उतना अच्छा नहीं होता है, तो थंबनेल बुक के कवर को देख करके बुक को जज मत किया करो, आप जाओ बुक को पढ़ो, बुक का कवर मत देखो। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।